कश्मीर से आतंकियों का करीब करीब सफाया हो चुका है। बुरहान वानी के पूरे गैंग का सफाया हो चुका है। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के साथ ही विकास की बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी का मिशन कश्मीर कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 2 दिन के लिए कश्मीर जाएंगे। अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए किशनगंगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे और लद्दाख के आध्यात्मिक गुरु कुशक बकुला की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें कि किशनगंगा वही परियोजना है जिसके निर्माण पर पाकिस्तान ने खूब हल्ला मचाया था। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक तक से गुहार लगाई थी कि भारत को ये बांध न बनाने दिया जाए, मगर पीएम मोदी ने सभी चुनौतियों के बावजूद इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा दिया। हालांकि पीएम मोदी के दौरे की अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उनके 19 मई को कश्मीर जाने की संभावना है। इस दिन वह राष्ट्र को 330 मेगावाट के किशनगंगा पनबिजली परियोजना सौंपेंगे। इसका निर्माण कार्य सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी जम्मू के एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। किशनगंगा प्रोजेक्ट उत्तर कश्मीर के बंदीपुरा में है। किशनगंगा नदी की धारा को मोड़कर एक 23.25 किलोमीटर लंबी सुरंग के द्वारा भूमिगत पावर हाउस बनाया गया है, जिसे हर साल 171.3 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, लेकिन 17 मई 2010 को पाकिस्तान इसके निर्माण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में चला गया था। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का हवाला देते हुए इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन हेंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साल 2013 में भारत के पक्ष में फैसला किया था। अदालत ने कहा था कि सिंधु जल समझौता के तहत भारत को यह अधिकार है कि वह किशनगंगा में बिजली उत्पादन के लिए जल धारा मोड़ सके। 19 मई को संभवतः पीएम मोदी लेह चले जाएंगे, जहां वह कुशक बकुला की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बकुला की प्रेरणा से इस इलाके में कई राजनीतिक आंदोलन हुए हैं और उनकी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। कश्मीर में पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया है। आतंकवाद के खात्मे के साथ साथ विकास की योजनाओं से न केवल कश्मीर जनता का बल्कि पूरे देश की जनता को काफी फायदा मिलेगा। किशनगंगा प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली से भारत की बिजली की समस्या भी खत्म हो जाएगी, साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर भी भारत का कंट्रोल बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।